Hello students, today we will discuss about next chapter and last chapters of macroeconomics, balance of payment, BOP. Firstly, we will discuss about the meaning of BOP, balance of payment account. So BOP account hai. So what is the meaning of BOP account? BOP is a statement of account showing all economic transactions, monetary transactions of a country with the rest of the world during a period of time, generally 1 year. So balance of payment account है, वो क्या है? एक ऐसी statement of account है, account की वो statement है, showing जो show कर रही है all economic transactions, जितनी भी economic transactions, economic के अंदर जितनी भी transactions होते हैं, वो भी कौन सी? Monetary transactions, not non-monetary transactions, it includes only monetary transactions of a country, एक country की with the rest of the world, जो किसके साथ? With the rest of the world, दूसरी country के साथ, कोई भी राष्ट्र मतलब अपनी domestic country को छोड़कर बाकी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज उनके साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है उन सब की अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? बीओपी. और उसका टाइम पीरियड कितना होता है ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर? इट मींस 1 ईयर. अकाउंटिंग ईयर जो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो इस मीनिंग के अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर कुछ पॉइंट हमारे लिए बिल्कुल नए हैं. फॉर एग्जाम्पल, बीओपी is a statement of accounts. It means BOP क्या है? एक account है. It means its work according to accountancy. किसके तरह work करेगा ये BOP हमारा? According to accountancy. It means BOP account maintained according to accounting principles. जो BOP account है वो किसके according maintain किया जाएगा? Accounting principles के according. Secondly, showing economic transactions. तो what is economic transactions? Economic transactions क्या है? और last क्या कहता है? During a period of time. It means generally 1 year. ये मैंने आपको यहीं पे define कर दिया. किसके बीच में होता है? Transactions of a country with the rest of the world. अब है देखो, accounts मैंने बता दिया. It means जो भी BOP account होगा वो किस form में बनने वाला है? एक account form में बनने वाला. इसको हम आगे भी define करेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. जो मेन है कि सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? या फिर व्हाट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर 4 टाइप्स की ट्रांजेक्शन क्या होती है? इंक्लूड्स होती है. फर्स्ट इज विजिबल आइटम, सेकेंड इज इनविजिबल आइटम, थर्ड इज यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन एंड फोर्थ इज कैपिटल ट्रांजेक्शन. ये 4 ट्रांजेक्शन होती हैं, 4 आइटम्स होते हैं जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर इंक्लूड्स होते हैं. सबसे पहले है विजिबल आइटम. क्या होता है हमारा विजिबल आइटम? तो विजिबल आइटम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं विजिबल ट्रेड. क्या बोल सकते हैं इसको? विजिबल ट्रेड, या फिर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स. तो विजिबल ट्रेड क्या है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स. इट इंक्लूड्स ओनली गुड्स. देखो हम जनरली क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट सर्विसेज. यहां केवल क्या नहीं है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स. इट मीन्स विजिबल आइटम्स आर दोज आइटम विच कैन बी टच और सीन. जिसको क्या किया जा सके? टच किया जा सके, सीन किया जा सके, देखा जा सके. इट इज कॉल्ड मर्केंडाइज. क्या होता है ये? मर्केंडाइज. और इसी को ही हम क्या कहते हैं? बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड. क्या होता है ये? बैलेंस ऑफ ट्रेड. इट मीन्स अब बीओटी क्या होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स. गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ध्यान रखना. विजिबल आइटम्स इंक्लूड्स ओनली गुड्स, नॉट सर्विसेज. सेकंड इज इनविजिबल ट्रेड या इनविजिबल आइटम्स. तो इनविजिबल आइटम्स के अंदर क्या आएगा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आने वाली हैं. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, इट इंक्लूड्स ऑल सर्विसेज.
या फिर अभी पूछा जाए कि इनविजिबल ट्रेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनविजिबल ट्रेड, तो इनविजिबल ट्रेड या आइटम्स आर दोज आइटम विच कैन नॉट बी सीन और टच, ना तो उसको देखा जा सकता है ना ही टच किया जा सकता है, ओनली फील, क्या कर सकते हैं उसको हम फील ही कर सकते, सर्विस हम केवल फील करते हैं, लाइक इंश्योरेंस, बैंकिंग, शिपिंग, ये सारी क्या है हमारी इनविजिबल ट्रेड का पार्ट है। तो ये भी सारी मॉनेटरी टर्म्स में होती है, इंश्योरेंस की है या बैंकिंग है, शिपिंग है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी हमारी सारी किस वे में होती हैं, इन मॉनेटरी वे। अब है हमारा नेक्स्ट यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, थर्ड पार्ट क्या है यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। तो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन क्या हुआ, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन रेफर्स टू दोज आइटम विच इज वन साइडेड ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर क्या होता है वन साइडेड ट्रांजेक्शन, लाइक गिफ्ट है, डोनेशंस है, गिफ्ट की दिया हमने, डोनेशंस दिया, या फिर वहां से हमें रिसीव हुआ है जिसके कंसिडरेशंस हमें कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, या फिर हम अगर उसको क्या कर रहे हैं, उस किसी को दे रहे हैं तो उसके कंसिडर उसको रिसीव करने की जरूरत नहीं होती, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स या यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस वो कहलाती हैं। हम इसको सेकेंड क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफर्स, क्या बोलते हैं इसको, करंट ट्रांसफर्स। अब है हमारा कैपिटल ट्रांजेक्शंस, फोर्थ इज कैपिटल ट्रांजेक्शंस। तो कैपिटल ट्रांजेक्शंस इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शंस, ध्यान रखना कैपिटल ट्रांजेक्शन अकाउंट्स हम क्या बोलते हैं, कैपिटल की गुड्स के अंदर क्या आते हैं, फिर इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, प्लांट्स एंड मशीनरी, बट प्लांट्स एंड मशीनरी इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल ट्रांजेक्शंस बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, या फिर हम ये कहेंगे विजिबल आइटम्स, किसका पार्ट है ये, विजिबल आइटम्स का पार्ट है, ये कैपिटल का पार्ट नहीं है। ये कौन सी ट्रांजेक्शंस होती हैं, कैपिटल ट्रांजेक्शंस आर दोज ट्रांजेक्शन विच लीड्स टू फ्यूचर क्लेम, जो फ्यूचर क्लेम्स को क्या कर रही हैं, लीड्स कर रही हैं, जैसे फ्यूचर क्लेम होने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल बोरोइंग्स, हम बोरोइंग्स करते हैं, दूसरी कंट्री से उधार लेते हैं, तो एक हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, हमें क्या करना है उसको बोरोइंग्स की रीपेमेंट करनी है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना है, फॉरन इन्वेस्टमेंट जहां पर हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों क्या हो रही है, इफेक्ट्स हो रही है, वो सब क्या कहलाएंगे हमारे कैपिटल ट्रांजेक्शंस कहलाएंगे। अब है देखो यहां पर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसी में ही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, एक अकाउंट्स की स्टेटमेंट। अब अकाउंट स्टेटमेंट्स कैसे है, तो बीओपी अकाउंट्स कंसिस्ट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, या फिर बीओपी अकाउंट फॉर्म इन टी फॉर्म, जो बीओपी अकाउंट है वो फॉर्म किया जाता है किसमें, टी फॉर्म्स में, डेबिट साइड भी होती है उसकी और क्रेडिट साइड्स भी होती हैं, तो बीओपी अकाउंट का टी फॉर्म होगा डेबिट साइड, लेफ्ट साइड इज डेबिट और राइट साइड इज क्रेडिट। डेबिट साइड में क्या आएगा, ऑल आउटफ्लो ऑफ फॉरन एक्सचेंज, जितना भी फॉरन एक्सचेंज का क्या हो चुका, आउटफ्लो, देखो डेबिट का मतलब वही लॉस होता है, ठीक है, तो और जितना भी आउटफ्लो, मतलब कि हमने यहां पर क्या किया, इंपोर्ट, जब भी गुड्स को क्या किया हमने, इंपोर्ट किया, सर्विसेज को इंपोर्ट किया, या फिर ट्रांसफर हमारे पास इंपोर्ट हुई है, उस कंडीशन में फॉरन एक्सचेंज क्या हो गया, हमारा आउटफ्लो चला गया, जब चला गया इट मीन्स ये क्या है हमारी पेमेंट्स, क्या है ये हमारी पेमेंट्स है, ऑल पेमेंट्स आर अंडर इन डेबिट साइड ऑफ बीओपी अकाउंट, किसके अंडर आती हैं, डेबिट साइड में आती हैं बीओपी अकाउंट्स के। अब है क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड मीन्स ऑल इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है, मतलब कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितनी भी सप्लाई हुई है हमारी कंट्री फॉरेन एक्सचेंज की, किसके थ्रू हुई है, या तो हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट, गुड्स को एक्सपोर्ट किया, या फिर क्या किया है वहां से हमने मनी बोरो की है, तब भी इनफ्लो ही हुआ है, इट मीन्स ये ध्यान रखना है जितना भी इनफ्लो, या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या आने वाली है, ऑल रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज की क्या है रिसिप्ट्स हैं, वो रिसिप्ट्स किसके अंदर आएंगी, क्रेडिट साइड्स ऑफ बीओपी अकाउंट। तो ये डेफिनेशन शायद सभी को क्लियर हो गई होगी, बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग क्यों है कि बीओपी अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाए, एक अकाउंट की तरह मेंटेन किया जाता है टी फॉर्म्स में, जिसके डेबिट साइड भी होता है और क्रेडिट साइड भी होता है, और दूसरा
कि बीओपी अकाउंट के किसको शो कर रहा है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड थी, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस, कैपिटल ट्रांजेक्शंस, ये फोर ट्रांजेक्शंस क्या कहलाती है हमारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। और ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसके अंदर इंक्लूड होती है, बीओपी अकाउंट्स में। और जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, जनरली 1 ईयर का होता है, और इसको मानते हैं अकाउंटिंग ईयर फिस्कल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच का होता है। तो बीओपी अकाउंट का इंट्रोडक्शन, बीओपी का मीनिंग सभी को क्लियर हो गया होगा। अब है हमारा आगे कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट। कंपोनेंट्स क्या होते हैं बीओपी अकाउंट्स के, मैं पहले इसी में तुम्हें बता देना चाहती हूँ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस के अंदर, कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस में क्या है। देखो फर्स्ट तीन जो ट्रांजेक्शंस हैं कौन कौन सी, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये तीनों किसके पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट। किसके पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट। और एक कैपिटल ट्रांजेक्शन है वो किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का, ये करंट अकाउंट। इट मींस बीओपी अकाउंट कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। बीओपी अकाउंट कितने टाइप्स के अकाउंट को कंसिस्ट करता है, टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स एंड कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट थ्री ट्रांजेक्शंस, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट, एंड कैपिटल ट्रांजेक्शंस इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट। यहां तक क्लियर हो गया। अभी हम आगे करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट्स। ये कंपोनेंट्स हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे बीओपी अकाउंट के।